नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कंगना रनौत और संजय राउत को लेकर जो कोल्ड वॉर जारी था उसमें अब एक बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल कंगना रनौत जो है वो 9 तारीख को वापस महाराष्ट्र जाएंगी। आपको याद होगा कि चुनौती दी गई थी कि महाराष्ट्र आकर दिखाइए, और इसके बाद एक एक तरफ से लगातार बयान आने शुरू हो गए। बॉलीवुड ने एक पक्ष लेना शुरू कर दिया, राजनीति ने दूसरा पक्ष लेना शुरू कर दिया, लेकिन इन तमाम बातों के बाद एक बड़ा अपडेट ये भी है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने जा रही है कंगना रनौत को। वाई कैटेगरी यानी तकरीबन 11 लोगों का समूह या घेरा उनके इर्द गिर्द होगा जैसे ही वो महाराष्ट्र लैंड करेंगी, और अब महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि कंगना रनौत को वो पूरी की पूरी सुरक्षा दे। वाई कैटेगरी आमतौर पर उन लोगों को दी जाती है जो खास तौर पर जिन्हें इस तरह का थ्रेट हो। कई बार जो होता है वो प्रोटोकॉल आपको एक पद में आने के बाद मिल जाता है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल पद में हैं तो आपको इस कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन कई बार जब आप इस तरह के थ्रेट्स देखते हैं, वैसे बॉलीवुड के बहुत कम ही लोग हैं जिनको किसी भी तरह की सुरक्षा सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार की तरफ से, दी गई है। लेकिन कंगना रनौत के साथ बीते कुछ दिनों में क्या कुछ हो रहा है आपने निश्चित तौर पर सुना होगा। संजय राउत ने अभी हाल ही में कहा था, उनका जो आखिरी बयान मुझे याद आता है उसमें उन्होंने कहा था कि वो माफ़ी मांगेंगी तो मैं उनको माफ़ करने के लिए सोचूंगा, क्योंकि उन्होंने मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहा था, और मिनी पाकिस्तान आप मुंबई को कैसे कह सकते हैं, ये उनका मुख्य सवाल था। लेकिन इन सारी बातों को लेकर कंगना ने भी जवाब दिया, और इन्हीं सारी बातों को लेकर ये जो पूरा का पूरा विवाद है कि मुंबई पुलिस आखिर सुशांत सिंह राजपूत केस में इतनी निठल्ली क्यों है, कुछ कर क्यों नहीं रही थी, जो जैसा सीबीआई ने किया, जैसा ईडी कर रही है, जैसा एनसीबी कर रही है, सारी चीजें जो निकल कर आई हैं ये इन तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के बाद निकल कर आई हैं। मुंबई पुलिस ऐसा कुछ लाने में सक्षम नहीं थी। इन्हीं सारी चीजों को लेकर जब उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दखलअंदाजी भी हो गई, हस्तक्षेप भी हो गया, तो कंगना रनौत का ये सवाल था कि मुंबई जो है वो एक तरह से मिनी पाकिस्तान, उन्होंने मुंबई को कहा। इसी बयान को लेकर जो शिवसेना थी वो आक्रोशित हो गई, क्योंकि उनकी सरकार है, उनका इस वक्त पे पूरा का पूरा वो इलाका है, और अगर संवैधानिक तरीके से कोई सरकार बनी हुई है और उस पर कंगना इस तरह का बयान देंगी तो संजय राउत का यही कहना था कि ऐसा कैसे कह सकती हैं। तो इन सारे मुद्दों पर कंगना ने साफ तौर पर कहा कि मैं आऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता है, मेरी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और भारत का संविधान मुझे इस बात का हक देता है कि मैं भारत में कहीं भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकूं। तो इन ही सारी चीज़ों को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद बढ़ता गया। कंगना रनौत ने बीते दिन एक बयान दिया था, वो सबसे पहले आप सुनिए और उसके बाद आप ये फैसला कीजिए कि कंगना रनौत इस पूरे के पूरे पक्ष में कहाँ खड़ी हुई है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं, आप एक सरकारी मुलाजिम है, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी, उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे, आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये आपने सुना कि कंगना रनौत ने इस पूरे के पूरे मसले पर क्या कहा। अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दे दी गई है, यानी 9 तारीख के बाद जैसे ही वो महाराष्ट्र में एंट्री करेंगी, पूरी की पूरी जो मुंबई पुलिस का एक जिम्मा होगा वो कहीं ना कहीं कंगना रनौत को सेफ करने में भी होगा। और अब जब भी वो भारत में कहीं और ट्रैवल करेंगी, जब तक ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनके साथ है, तो अलग अलग पुलिस का वो जो जिम्मा है वो भी बटेगा राज्य सरकार के हिसाब से। लेकिन
जिम्मा जो होगा, जो मेन क्रेडिबिलिटी होगी, जो मेन अथॉरिटी होगी, वो मुंबई पुलिस के, महाराष्ट्र पुलिस के पास ही होगी कि कंगना रनौत को अब किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये अपने आप में एक, इसे आप कह सकते हैं कि नहले पे दहला है कि जो सरकार ये कह रही थी कि आप एंट्री कर दिखाइए महाराष्ट्र में, अब उसी को कंगना रनौत को सुरक्षा देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं संजय राउत शिवसेना इस मसले पर बैकफुट पर आ गए और ये जीत है कंगना रनौत की। आप किस तरह से इस पूरे के पूरे मसले को देख रहे हैं हमें जरूर बताइए कमेंट करके। वाई कैटेगरी की सुरक्षा 9 तारीख देखना दिलचस्प होगा जब कंगना महाराष्ट्र में एंट्री करती है। अभी वो अपने जो गृह राज्य है उनका हिमाचल प्रदेश में है और जैसे ही वो 9 तारीख को एंट्री करेंगी बहुत दिलचस्प होगा पूरा का पूरा सिनेरियो। हम यहाँ पर आपको जरूर बताएंगे उस अपडेट के बारे में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहता है कि कल महिला को लेकर जो अपशब्द आपने कहे उसको लेकर आप माफी मांगेंगे क्या? पीछे लेना है जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का बड़ा तबका, राउत साहब, समाज का एक बहुत बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। अगर क्यों नहीं माफी, अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को यानी पाकिस्तान बोलने की? आपने जो शब्द इस्तेमाल किया आप कायम है क्या उस शब्द पर? अगर कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था? अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते है पीते है, मुंबई में बड़े होते, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूंगा महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। संजय राव जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी, उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं। आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे, आप लोग मुझे मारिए। क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।